तो दर्पण देखा, दर्पण, दर्पण का अर्थ होता है दर्प माने अभिमान। दो ही चीज तो सताती है हमें, हम जो दुखी करती हैं दो चीजों से ही तो बचना है, एक दर्प एक अंदर्प। दर्प कहते हैं अभिमान को, कंदर्प कहते हैं काम को। कामना न रहे, अभिमान न रहे, कल्याण हो जाएगा। दो चीजों को ही तो दूर करना है, एक दर्प एक कंदर्प। तो ये दर्पण क्या करता है, अभिमान को दूर कर देता है। क्यों? बोले बता देता है कि तुम बूढ़े हो रहे हो, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते, नहीं हम बूढ़े नहीं, ये सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, सत्य कहता है। दर्पण सत्य का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयव यौवनम प्रतियांति पुनर्गतान दिवसा कालो जगत भक्षका। प्रतिक्षण बूढ़े हो रहे हो, आयु जा रही है, नष्ट हो रही है, यौवन जा रहा है, ये दिन रात जो जा रहे वो लौट कर नहीं आते, काल सबको खा रहा है। लेकिन हम उसमें क्या ढूंढते हैं? एक टीचर ने पूछ ली बालक से, बोले स्त्री पुरुष में क्या अंतर है बताओ। तो बालक ने जवाब दिया, बोले शीशा के सामने जो 2 मिनट रहे वो पुरुष और जो 2 घंटे रहे वह स्त्री। और आज तो ऐसे शीशा चल गए कि घर में पूरे में ही लगवा दिए, जितने देखो उतको निकलो तो शीशा, उधर देखो तो शीशा, देख देख के बाबरे हो रहे। लेकिन हमें बुढ़िया की बात सुना दे। एक मैया घनी बूढ़ी है गई, गांव में मेला लग रहा, सब चले गए लेकिन बुढ़िया छोड़ गए। पोतो आयो स्कूल ते, बोले दादी दादी कहाँ गए सब, बोले मेला में तो ना ले गए। बोले बेटा हमें कौन ले जाए, दांत गए मुंह झेरो बुढ़िया का पेट में तेरो। लेकिन बालक बूढ़े से ज्यादा प्रेम करता, बोले दादी मैं ले चलू चल। लेकिन वहां उसके मित्र मिल गए, वो दादी को छोड़कर चला गया। दादी तो फिर अकेली रह गई। दादी ने कहा मेला में आई हूं, फिर आऊं आऊं ना आऊं कोई पता नहीं है, बूढ़ी तो हो ही गई हूं है? तो का करूं, बोले एक शीशा ले लूं, मेरे तिलक लगाने को शीशा पुराना है गयो है। दादी ने शीशा खरीदना शुरू किया, दुकानदार ने भी सोची बड़ी बूढ़ी है फिर ना आवेगी, बड़ी आसो दे दो। बोले 30 रुपया को भैया। मैया ने वहां देखो महंगो है, 15 को दे दियो, 5 को दे दियो, मैया महंगो ही बताती रही। आखिर दुकानदार ने पूछी कि मैया याति कम को नाए, पर यो बता तो कैसो शीशा चाहिए। तब बुढ़िया ने बताई, रे लाला में 60 साल पहले आई आई मेला में और मैंने 2 पैसा को खरीदो, 2 पैसा के शीशा में जब मैंने चेहरा देखो तो मेरो टमाटर जैसो तो रंग हो, बिल्कुल जवान लग रही। तेरे तो मैं 30 रुपया के मैं भी बूढ़ी लग रही हूं। बोले दादी यू शीशा को कसूर ना है, अब बूढ़ी है ही गई है, तो जैसे हो वैसा ही बताता है, वो झूठ नहीं बोलता। लेकिन हम झूठ को छुपाते हैं। बोले अब भजन करो राम राज्य की स्थापना। लेकिन राम राज्य के लिए 2 तत्व बाधक है, एक कर्कशा वाणी कड़वी वाणी और एक मंद बुद्धि। कड़वी वाणी जानते हो, पूरे घर को बेचैन कर देती है, कभी मत बोलना।
कड़वी वाणी कभी मत बोलना, के कई कभी मत बनना। कड़वी वाणी के कारण ही बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। द्रौपदी ने केवल यही कहा था, अंधस्य पुत्र अंधा, अंधे का बेटा अंधा, महाभारत हो गया। सीता जी ने केवल कड़वा वचन लक्ष्मण को कह दिया था, राम और रावण का युद्ध हो गया। तो कड़वा वचन कभी मत बोलिएगा। प्रिय वाक प्रदाने ने सर्वे तुष्यंति जंतवा तस्मा तदई वक्तव्य का वचने दरिद्रता। गरीबी नहीं आएगी मीठा बोलने से। दूसरी मंथरा, मंथरा का मतलब है मंद बुद्धि। मंद बुद्धि का मतलब जो दूसरा फायदा उठा जाते हैं। बहू घर में ठीक चल रही है लेकिन पड़ोसन जल रही है, ध्यान रखना। काउ दिन बहू के कान फूंक देगी और सासू बहम है जाए, सासू घूम फिर के बाकी घर जाएगी, मेरी बहू तो का कह रही तू? बोले मैं का कह रही, तेरी बहू ही कह रही। बोले का कह रही? नो कह रही है ऐसी सास में तो आग पजार दे और जाओ जलने को जाओ, पड़ोसी घर फुकने को जाओ। लेकिन बहू को भी वहम हो गया कि सासू गई पड़ोसन के, कछु ना कछु बात है। अब बहू भी दाव खेलेगी, इधर से उधर से कभी ना कभी झट पहुंच जाएगी पड़ोस। बोली मेरी सासू कहा कह रही? बैठी बैठी आप बैठिए, वो सब व्यवस्था, बैठो बैठो। बहू भी पहुंच जाएगी कि मेरी सासू का कहने आई? बोले का कह रही बहना, तू ही झेल रही है और मैं तेरी जगह होती तो ऐसी में आग लगा देती। जाओ फुकने को, सासू बहू जा रही से कहते मंद बुद्धि दूसरे फायदा उठा रहे हैं। क्या बिगड़ना है मंथरा का? आग तो लगना है दशरथ जी के भवन में। अरे अपने पर भरोसा करो, अपनी बहू पर भरोसा करो। जिस दिन तुम भरोसा करना सीख लोगे कोई तुम्हें सिखा ही नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं जो तुम्हारे घर में घुस जाए। के कई को भवन में पहुंच गई। आज राम राज्य की जब घोषणा हुई, को भवन कौन पहुंचाता है? कुसंग। जिस दिन भी कुसंग हो जाएगा आपको भवन पहुंच, को भवन कोई बनवाता नहीं है, दशरथ जी ने भी नहीं बनवाया था को भवन। लेकिन जब मैया कुसंग में पड़ जाती है तो अच्छे अच्छे ड्रॉइंग रूम को भी कोप भवन बना देती है और फिर राम का राज्य नहीं होता। राम राज्य में यही बाधक है, जहां काम बैठा हो, क्रोध बैठा हो, लोभ बैठा हो, वह राम राज्य हो ही नहीं सकता। तीन तीन विकार जहां बैठे हैं, दशरथ जी में काम बैठा है, केकई में क्रोध बैठा है, मंथरा में लोभ बैठा है। और एक सीधी बात बता दें, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना है। प्रेम गली इतनी सांकरी तामे दो न समाई, ये प्रेम गली इतनी सांकरी इसमें दो नहीं रह सकते, मैं भी रहे और वो भी रहे। जब दर्पण को साफ किया, ध्यान देना गहराई की बात है, जब दर्पण को साफ किया तो मैं नजर आया। ध्यान देना मेरे वेदांत का विषय है, जब दर्पण को साफ किया तो मैं नजर आया और जब मैं को साफ किया तो तब वो नजर आया। इसीलिए मैं को हटा दीजिए, प्रभु सत्ता आ जाएगी। जब दशरथ जी हैं, राम गद्दी पर नहीं बैठेंगे, राम गद्दी पर बैठेंगे दशरथ जी नहीं रहेंगे। एक सत्ता रहेगी, दो नहीं रह सकती एक साथ। और वनवास हुआ के कई भवन से, यहीं से रामायण शुरू होती है।
आदव राम तपो बनादी गमनम। रामायण तो यहीं से शुरू होती है। जो हम सबको राम मिला है वो तो केकई का राम है, कौशल्या का राम नहीं है। कौशल्या कभी वन भेजती? कभी नहीं भेजती। कोई मां अपने बेटा को वन नहीं भेजती, लेकिन ये बुराई तो केकई ने ली है। राम एक दिन खाना नहीं खा रहे थे, केकई भवन में खेलते थे, खा लो राम, राम खा लो। नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? बोले एक वचन दे दीजिए। केकई ने कहा क्या मांगना चाहता है, बात क्या है बताना। मां तुझे बड़ा कष्ट होगा, राम मैं तेरे लिए तो कष्ट भी झेल लूंगी, तुझसे सब नफरत करना शुरू कर देंगे। केकई ने कहा मैं वह भी झेल लूंगी। कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा, केकई ने कहा मैं वह भी झेल लूंगी। तू मांगना क्या चाहता है? राम ने कहा मां तुझे विधवा भी होना पड़ेगा। केकई रो पड़ी, राम तू क्या मांगना चाहता है, पहले वचन दे। केकई ने कहा मैं तेरे लिए तो राम विधवा भी हो जाऊंगी, लेकिन बता तो दे तू क्या मांगना चाहता है। राम ने कहा मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज तिलक। केकई मूर्छित हो गई, राम को हृदय से लगाया। राम मेरा नाम कोई केकई कोई नाम नहीं रखेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे दुख होगा, मेरी सब बुराई करेंगे, अवहेलना करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं विधवा हो जाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरा राम मुझसे 14 वर्ष दूर हो जाएगा, ये मैं सह नहीं पाऊंगी, ये नहीं सह पाऊंगी। ऐसा प्रेम था केकई का राम। वनवास यहां से हुआ है, इस घर से हुआ है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुराग, तने ये मातु पितु तो सनिहारा, तने ये मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार, दुर्लभ जननी सकल संसार।
बार जननी शब्द का प्रयोग किया है। साहित्य का दोष लगता है वैसे, साहित्य में तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जननी, जननी तो कौशल्या है। यशोदा लाख प्यार करे, लेकिन इतिहास से पूछा जाए जननी कौन है, जिसने प्रजनन किया है वो देव की है। तुम लाख प्यार कर लो, लेकिन इतिहास तो यही कहेगा देवकी का बेटा। फिर जननी शब्द क्यों लिख दिया गोस्वामी जी ने? क्योंकि हम सबको जो राम मिला है वो केकई का राम। एक लाइन गाऊंगा बस। बन चले राम रघुराई, संग में है लक्ष्मण भाई। राजा जनक की जाय, राजा जनक की से वनगमन की कथा सुनाई और आगे चलकर अपने भक्तों को दर्शन देते हुए मेरे प्रभु यहीं आए चित्रकूट में। भरत जी आए, यही वो पावरी दीनी थी, करी कृपा प्रभु पावरी दीनी सादर भरत शीश धर लीनी। लेकर के भरत जी यहां से गए भरतकूप और यहां से आगे बढ़े। बस प्रभु ने कलीला रची, तुम पावक मऊ करो निवासा, जो लगी कर निशाचर। लक्ष्मण ये मरम जाना जो कछु चरित्र चा भगवाना। प्रभु ने एक चरित्र रच दिया और सीता जी का हरण हुआ, रावण तक पहुंचे, रावण मुक्त किया पृथ्वी को, सीता जी को लेकर के फिर आए, तब राम राज्य की स्थापना। ये राम कथा को सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के लिए सुना गए, सूक्ष्म में है लेकिन भाव की कथा है तो बढ़ जाते हैं इसमें, बह जाते हैं। वैसे तो एक एक प्रसंग एक एक दिन का है, 9 दिन की कथा होती है रामायण की, लेकिन आइए तो इसमें हम आपको आप कृष्ण जन्म की तरफ लेकर चलते हैं। उसकी आपने तैयारी की है, जन्मोत्सव मनाते हैं। कथिताम वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो वंशानां चरितं परमादभुतम्। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, ये भी कम नहीं है चंद्रवंश में। आइए चंद्रवंश में प्रवेश करते, चंद्रमा से ये वंश चला है आगे, चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध, बुद्ध के हुए प्रवा, प्रवा के हुए आयु, आयु के हुए नूस, और नूस के हुए ययाति, ययाति से ये वंश चले हैं अलग। ययाति राजा की 2 रानी थी, एक का नाम देवयानी था, एक का नाम था शर्मिष्ठा। ये देवयानी से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम यदु रख दिया, शर्मिष्ठा से पुरुतुरु आदि हुए। यदु वंश भी आगे बढ़ा, कुरुवंश भी आगे बढ़ा, पुरुवंश भी आगे बढ़ा। तो यदुवंश, यदु ने अपने पिता को आयु न दी थी, इसीलिए यदु को निकाल दिया। वो मथुरा में नहीं, बटेश्वर में रहते थे, वहीं गोचारण करके ही अपना निर्वाह करते थे, और पुरु को राजा बना दिया तो मथुरा की राजा हो। पुरु का वंश आगे बढ़ा, उसमें चल करके आगे हुए आहुक नाम के राजा हुए, और आहुक के हुए 2 उग्रसेन और देवक।
महाराज उग्रसेन को कंस हुए, ये वंश तो ऐसे बढ़ा और यदुवंश ऐसे बढ़ा कि आगे चल करके इसी वंश में सूरसेन हुए, देवमीड़, देवमीड़ के सूरसेन, सूरसेन के वसुदेव, वसुदेव के कृष्ण। कोई शक? तो उन्होंने कहा महाराज अभी आपने नाम लिया कि कृष्ण, हाँ तो नाम तो बड़ा सुंदर है और यही कथा तो हम रसपान करने के लिए बैठे हैं तो हमको सुनाइए। बोले कि अवतार की योजना कैसे बनी? बोलिए वृंदा, ये देवक की बेटी थी जिनका नाम था देवकी, ये विवाह योग्य हो गई थी। इधर उधर नजर घुमाकर देखा तो किसी राजा पर कोई राजकुमार नहीं था। अंततः यही निर्णय किया कि हमने अपनी 6 बेटी वसुदेव जी को दे ही दी है, 7वीं भी दे देते। ये कंस राजा से पीड़ित होकर के ये पृथ्वी करुण क्रंदन किया जाकर के देवताओं के पास, गौर भूत्वा श्री मुखी खिन्ना क्रंति कर्ण विभव उपस्थित की अंति तस्मय व्यसनम स्वयमोचत। गौ का रूप लेकर के करुण क्रंदन किया कि महाराज मुझे आप भार से मुक्त करें, मेरे ऊपर कंस जैसे राजाओं का राज्य हो गया है। देवता ब्रह्मा जी के पास ले गए, ब्रह्मा जी भगवान के पास, तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम ब्रखा कपिम पुरुषम पुरुष सुक्ते न उपस्थिते समाय। पुरुष सुक्त से आराधना की गई तो प्रभु ने कहा कि चिंता न करो, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर, हम वसुदेव और देवकी के यहां आ रहे हैं, लेकिन हे देवताओं तुम हमारी लीला स्थली को जाकर सजाओ, तैयारियां करो, हम आ रहे हैं। सुकृति मिल गई, देवताओं ने सजा दिया इस धरा मंडल को, प्रभु के आने की योजना बन गई। तो विवाह होने जा रहा है, विवाह के समय कंस ने सोचा कि मैं अपनी बहन को छोड़कर आऊंगा। भाई भी कहीं कहीं साथ जाता है, कहीं कहीं रिवाज है। तब तक मन न लग जाए बहन का तब तक वहां से आता नहीं है, वही रहता है। तो कंस ने सोचा कि मैं चलता हूं साथ में, ये मुझसे प्रेम भी करती है, मेरी लाडली भी है, बहन है छोटी, और जाने लगे साथ में। स्वयं रथ हांकने लगे, अपने रथ में जा रहे, लेकिन ऊपर से आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी के शब्द थे, पति परिग्रहणम कंस माभास शरीर वाक अस्यातष्टवो गर्भो हंतायम वसुदेवोधा। अरे कंस, जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है इसके 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अस्यातष्टवो गर्भो, 8वां गर्भ, ये नहीं बताया बेटा बेटी। ये सुन करके कंस क्रत से कूद गए, मारने का प्रयास किया देवकी को, यही मेरे काल को जन्म देगी। वसुदेव जी ने पकड़ लिया हाथ, क्या कर रहे, एक स्त्री पर हाथ उठाना ये राजा को कहीं शोभा देता है? इसमें इसका क्या कसूर है? अब इसको बेचारी को क्या पता कि इसके गर्भ से कौन आएगा, देव आएगा, असुर आएगा, काल आएगा, इसको कोई पता नहीं है। इसमें इसका कसूर नहीं है, आने वाले का कसूर है। जो भी आएगा मैं आपको दे दूंगा, इसी शर्त के साथ रह गए। बारात चली गई, मथुरा में रख लिया, और मथुरा में एक भवन में रखते हुए देवकी ने पहली बार पुत्र को जन्म दिया। वचनबद्ध थे वसुदेव जी, लेकर पहुंच गए। लो, कंस बड़ा खुश हुआ, पुत्र मोह नहीं है, अपने वचन के बड़े पक्के हैं,
सोचा ये मेरा काल नहीं है, आठवां गर्भ मेरा काल है, वापस दे दिया। नारद जी भ्रमण करते करते आगे, नारद जी ने कंस को देखा, क्या कंस अभी वसुदेव जी आए थे? बोले हाँ आए थे। क्यों आए थे? बोले क्या लेना देना, आओ बैठो ना। नहीं नहीं बताओ तो। बोले अपने बेटा को लेकर आए थे, फिर तुमने क्या किया? बोले वापिस कर दिया। बोले गलती की है। क्यों? बोले आठवां पहला हो सकता है, पहला आठवां हो सकता है, तुम्हें पता है कोई कहां से गिन रहा है, कोई कहीं से गिन रहा है। तुम यहां बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं, मैं गिन रहा हूं 1 2 3 4 5 6 8, वो वहां से गिन रहा है। मैं उस आठवें को कह रहा हूं कि वो आठवां है, वो कह रहा है तुम आठवें हो। यही तो लड़ाई है। फूल में 8 पंखुड़ी होती है, सभी आठवीं है, सभी पहली है। आप कैसे कह सकते हो ये पहली है? जिस पर आप उंगली रख देंगे वही पहली है। इसीलिए कोई निर्णय नहीं हो सकता, और उसकी लीला को कौन जान सकता है भैया? रबर की स्टैंप की तरह है, देखने में अक्षर उल्टे लगते हैं लेकिन कागज पे पढ़ते ही सीधे हो जाते हैं। वो यहां कब किसको सीधा कर दे कोई पता नहीं है। बस कहकर नारद जी तो चले गए। समस्त रात्रि नींद ही नहीं आई। प्रातः काल उठे और छील कर पुत्र को ले आए, शिला पर पटक दिया, 6 बेटाओं को मार दिया। 7वीं बार गर्भ रहा, गर्भ 6 महीने का हो गया, 7वां महीना लग गया। प्रभु ने अपनी योग माया को बुला लिया। योग माया, गच्छ देवी ब्रजम, तुम ब्रज में जाओ। गोप गोभरलंग कृतम, रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। तुम एक काम करना है, जो ये गर्भ है इस गर्भ में शंकरसन भगवान है, इससे ही भगवान है। और गर्भ 7 महीने का हो गया, 7वें महीने का बालक जिंदा रह जाता है, 8 का नहीं रहता, 6 का नहीं रहता। तो तुम इनको निकाल कर ले जाओ, इनका शंकरसन करो, और वहां जाकर के इन्हीं की, वसुदेव जी की ही पत्नी है जिनका नाम है रोहिणी, वो नंद जी के यहां रह रही हैं, वहां जाकर के भेज दो, पाल पोषण वही कर लेंगे, इनका नाम रोहिणी हो जाएगा। बस इतना कर दो। और तुम यशोदा गर्भ से और मैं देवकी गर्भ से, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तुम वहां आ जाना। इतना काम करोगी तो तुम्हारे अन्य अन्य नाम होंगे, चामुंडा, कृष्णा, वैष्णवी, शारदा, अंबिका, बहुत सारे नाम होंगे। कलयुग में मैं तुम्हारी पूजा करा दूंगा, बस इतना कर देना। योग माया, योग माया को विधि समझा दे। पता लगा कंस को कि गर्भ क्षीण हो गया। कंस को बड़ी खुशी हुई, मारना न पड़ा। अब की बार 8वीं बार गर्भ रह गया। 8वीं बार गर्भ रहा, प्रभु गर्भ में आए। कहां आए? कोई कोई विद्वान कहते हैं गर्भ में आए, कोई कोई कहते हैं कि वो तो केवल देवकी के हृदय में आए, क्योंकि हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान हृदय में निवास सदैव ही करते रही हैं। लेकिन अष्टमी बिल्कुल चुप खड़ी है। सबने पूछा, रही अष्टमी, हम सब प्रार्थना में लगे हैं, तू तो शांत खड़ी है। अष्टमी ने कहा, तुम प्रार्थना करो न करो, आएंगे मुझ में। क्यों? क्योंकि उनकी प्रियतमा श्री राधा रानी अष्टमी को आई हैं, तो मेरा कन्हैया भी अष्टमी को ही आए। अष्टमी को चुन लिया, क्योंकि अष्टमी में 8 का पहाड़ा होता है, नौमी में 9 का पहाड़ा। 9 का पहाड़ा बड़ा सीधा है, 9 × 9 = 18, 8 + 1 = 9, 9 × 3 = 27, 2 + 7 = 9, 9 × 36 = 3, 6 = 9, 9 × 5 = 45, 4 + 5 = 9, 9 × 6 = 54, 5 + 4 = 9, 9 × 9 बराबर है, लास्ट तक गिन लीजिए। लेकिन 8 का पहाड़ा ऐसा नहीं है, 8 का तो बड़ा टेढ़ा है। 8 × 8 = 8, 8 × 2 = 16, 6 + 1 = 7, घट गया। 8 × 3 = 24, 2 + 4 = 6, और घट गया।
आठ तिया 24 और 8 चौका 32, 5 ही रह, 8 5 40, 4 ही रह गए। लेकिन अब बढ़ना शुरू हो गया, 8 6 48 12 हो गए। फिर घटना शुरू। तो ये बड़ा टेढ़ा मामला है, इसलिए अष्टमी को चुना कि मैं टेढ़ा मेढ़ा हूं। इस बांके का सब कुछ बांका, वो टेढ़े हैं बांके हैं, सब कुछ बांका है उनका। संसार को टेढ़ा बन के दिखाया है। कोई कोई तब भी भ्रम कर जाते हैं कि महाभारत कृष्ण ने करवाया था है? अब भी जब महाभारत चलती है ना, बालक इसी पर बहस कर जाते हैं, बोले देखो क्या नीति सिखा रहे हैं बच्चों को। अब भी आज के, अब हम श्रद्धावान हैं, हम तो कहते हैं हाँ ठाकुर जी ठीक कर रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन बच्चे आज भी तर्क कर जाते हैं, कृष्ण ही करवा रहे हैं सब खेल को, बच्चे सब जानते हैं। और हमारी तुम्हारी बात तो क्या। एक उतंग नामक ऋषि थे, उतंग राजस्थान की मरुभूमि में थे। जब द्वारिका के लिए जा रहे थे, वहां से निकले तो उनसे सोचा कि मुनि से मिल चले, ऋषि से मिल चले। कन्हैया जैसे ही मिलकर किए जा रहे थे हस्तिनापुर से, ऐसे ही तो जाते द्वारिका को। तो जब जा रहे थे द्वारिका को, तो वहां से बोले मिलने, और मिलने के लिए गए तो उन्होंने पूछा कि बताओ क्या रही हस्तिनापुर में, क्या कुछ हो रहा है। उतंग ऋषि ने, मेरे गोविंद ने स्वाभाविक बता दिया, बोले वहां तो महाभारत हो गया और पांडवों की विजय और कौरवों का विनाश। उतंग ऋषि क्रोध में भर गए, ए कृष्ण तूने करवाया है साहब, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुरंत ले लिया जल हाथ में, मैं श्राप देता हूं। मेरे गोविंद ने उनकी शक्ति को खींच लिया, खड़े की खड़े रह गए, हाथ यों की यों ही रह गया। तब समझ में आई कि ठाकुर जी कि तुम्हारी लीला कुछ और रही है। तो बड़े टेढ़े हैं वो, तब चरणों में गिरे तो बलपूर्वक भी झुका लेते हैं। आखिर महात्मा को झुकना पड़ा, ईश्वर मानना पड़ा, परमात्मा मानना पड़ा। बोले कि तो क्या करें, बोले कि बस आशीर्वाद दे दो कि इसमें जल नहीं है, जल की व्यवस्था हो जाए। मेरे प्रभु ने आशीर्वाद दिया, आज भी उस आश्रम में कभी जल खत्म नहीं होता। तो बड़े टेढ़े हैं मेरे गोविंद, सब कुछ बांका है। उस टेढ़े का सब कुछ टेढ़ा है, मुकुट टेढ़ा, मुरली टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, सब टेढ़ा है। इसलिए आठवीं तिथि को ही चुना, और बुधवार क्यों, मंगल हो न हो लेकिन बुद्धि जरूरी है, बोध आवश्यक है, इसलिए बुधवार को चुना। कल्याण किसी का हो न हो लेकिन बुद्धिमान बनकर जिए, उन जैसी कोई तर्क न कर सका, उन जैसी कोई बुद्धि नहीं। और ऐसी गीता सुना दी है, पढ़ पढ़ कर उलझ जाते हैं पर गीता समझ में नहीं आती है। बड़ा सुंदर शास्त्र है गीता। तो बुधवार बुधवार को चुना, और बुधवार ने भी रात्रि को चुन लिया, और रात्रि में भी ठीक 12 बजे को चुना, और 12 बजे अयोध्या में कथा कर रहे थे। तो प्रसंग कोई ऐसे, अब कथा कोई सुन रहा हो दूर, हम घूम गए घूमने के लिए, बोले पंडित जी हमने कहा हाँ कथा बढ़िया सुनाते हो, हमने कहा हाँ भैया सुना देते हैं जैसी आती है। बोले आज तो कृष्ण जन्म था, ठीक 12 बजे हुआ ना, मैंने कहा हाँ 12 बजे। बोले कि चोर तो रात में ही आते हैं। हमने कहा मजाक कर रहे हो, बोले हमारे राम जी तो ठीक दिन में आते हैं, तुम्हारे कृष्ण तो रात को ही आते हैं। तो हमारे श्याम सुंदर रात्रि के ठीक 12 बजे आने का निर्णय, तो सज गई है। ये कौन, भगवान की पत्नी है पृथ्वी, उस दिन बता रहे थे ना आपको। तो जब भी वो आते हैं, प्रीतम जब भी पधारते धरा मंडल पर, ये प्रिया सज जाती है
और पृथ्वी कैसे अपना श्रृंगार किया है, नदियां भर कर चल रही है, वृक्षों में फल लद गए हैं, मंद मंद हवा बह रही है, धीमी धीमी वर्षा हो रही है, बड़ा सुहाना मौसम है। और भाद्रपद का मौसम तो आप जानते ही बड़ा सुहाना होता है, वो तो ऐसा होता है कि उसमें नींद आ जाती है, सर्प को भी नींद आ जाती है, ऐसा सुंदर मौसम है। उसके बीच रात्रि को मेरे प्रभु ने आने का निश्चय किया और आ गए। कैसे? उस कारागार में ही प्रकट हो गए, मैया बाबा को दर्शन दिया और बताया। उनको क्या बताया? प्रेमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नि स्वाम्भवो सति तदायम सुतपानां प्रजापतिर्कल। प्रेम पूर्व सर्गे भू, तुम पहले सुतपा और प्रेमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नी सुतपा नाम कलमस। प्रश्नी और सुतपा नाम था तुम्हारा, तो तुमने बड़ा भारी तप किया। हमने कहा कहो क्या मांगते हो, मांगो वर, मांगो वर, मांगो, तब तुम्हें ध्यान होगा। हमने कहा अरे तीन बार हो गया, तीन बार ही आएंगे। पहली बार हम आए तो प्रश्नी हमारी मां का नाम था, हमारा नाम भी प्रश्नी गर्भ हो गया। तुम अदिति कश्यप बने तो हम बामन बनकर आ गए, अब तुम वसुदेव देवकी बने तो हम कृष्ण बनकर आ रहे हैं। लेकिन बाबा जिस समय तुमने तप किया है उसी समय में द्रोण और धरा नाम के वसु थे, उन्होंने भी तप किया, मैं चक्कर में पड़ गया, एक समय में दो जगह कैसे जाऊं। तब द्रोण और धरा ने कहा कि प्रभु तुम जन्म तो कहीं ले लेना, लेकिन जो बच्चे से स्नेह मिलता है वो ममता वो हमें दे देना। तो बाबा मुझे 11 वर्ष 2 महीने उनको देने, तुम मुझे यहां से निकाल करके गोकुल में नंद भवन पहुंचा देना, वहां मेरी योग माया प्रकट हुई है, उनको निकाल कर ले आना, बस इतना कार्य कर देना। और तुमने ये काम नहीं किया तो मामा श्री आएंगे और मेरा उनका युद्ध हो जाएगा और वो लीला यहीं समाप्त हो जाएगी। तो मुझे वो लीला भी समाप्त नहीं करनी है, ब्रजवासियों को रस देना है, 11 वर्ष 2 महीने आनंद देना है, ब्रज में अपना प्रेम बहाना है। तो ऐसा समझा करके वह छवि तो अंतर्धान हो गई, मैया ने पुत्र को जन्म दिया, बस एक सूप आ गया, एक ओढ़नी आ गई, उससे ढक करके और लेकर चल दिए। हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, सब ठीक हो गया, यमुना ने भी मार्ग दे दिया, पहुंच गए नंद भवन में। यशोदा सो रही हैं, एक बालिका को जन्म दे रखा है, पता ही नहीं। लाला को लिटाया, बालिका को लिया, लेकर के आ गए, सब जैसा था वैसा हो गया। योग माया ने वाह वाह किया, दौड़े सब, कंस ने भेज दिया कि जाओ जहां भी नवजात शिशु का जन्म हुआ उसे मार दो। लेकिन कंस की बात बात नहीं करेंगे, लाला का जन्मोत्सव मना लेते हैं। नंद राय जी दो भैया हैं, नंद बाबा दो भैया है, नंद उपनंद और दो बहना। अरे अरे ले आए कोई बात, तो आइए जन्मोत्सव मना लेते हैं लैला के। और सुनंदा नंदा दौड़ी दौड़ी गई नंद जी के पास में, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। नंद राय जी ने उनको दे दिया 9 लखा हार। तब गाते गाते सब आंगन में आ रहे हैं, बोलो और आंगन के लाला की जय हो, बड़ी धूमधाम के साथ।
अब गाना हो रहा है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो आइए हम सब जन्मोत्सव मनाते हैं। हमारे पहले परीक्षित जी लाला का पूजन करेंगे, कितनी भी करना हो। कृपया सभी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे और जिन्हें पूजन करना है वही खड़े होंगे। अरे खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। लाला की मम्मी बुला लो, कहीं लाला घर ना जाए, पास में खड़ी है जाएंगी, खड़ी हो जाइए पास में, कोई दिक्कत नहीं है। अरे खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। दो करके आते रहो, भजन चलते रहेंगे, ऐसे सब ही खड़े हो जाओगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर, बैठो पहले, बैठो रमेश, सबको बिठाओ पहले। I'm not afraid.
जी झूम झूमते हुए आनंद लेंगे। हो जाओ खड़े हो जाओ, आइए। बांट दो किसी के लगे लगा में। वृंदावन बिहारी लाल की प्रसाद लेकर भागवत महापुराण की जय। पूज्यपाद सुखदेव जी महाराज जय। परीक्षित जी महाराज की।